हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई से ये बड़ी खबर है, सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की उस बिल्डिंग में पहुंची जहां चौधरी मंजिल से कूदकर दिशा ने जान दे दी थी। ये इमारत मलाड इलाके के जनकल्याण नगर में है। दिशा सालियान ने सुशांत के सुसाइड के 6 दिन पहले 8 जून को बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस यह जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा की मौत का या फिर सुसाइड का कोई कनेक्शन तो नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिशा सालियान के घर पहुंची है बिहार पुलिस की टीम और मलाड में जिस बिल्डिंग में दिशा सालियान का घर था वहां पर बिहार पुलिस की टीम मौजूद है। चौधरी मंजिल से कूदकर दिशा सालियान ने जान दे दी थी। तो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या दिशा की मौत में और सुशांत की मौत में कोई कनेक्शन है, सुसाइड में कोई कनेक्शन तो नहीं है। मृत्युंजय कुमार सिंह जुड़ गए हमारे साथ। मृत्युंजय, क्या है पूरी जानकारी? आदर्श, देखिए जिस प्रकार से बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच कर रही है, चूंकि सुशांत सिंह के मौत के 6 दिन पहले ही दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी मलाड़ के मालवानी इलाके में एक बिल्डिंग से 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। ऐसे और दिशा सालियान ने 3 साल पहले कुछ समय के लिए, बहुत आंशिक समय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम किया था। ऐसे पर ये लिंक तलाशने के लिए बिहार पुलिस गई हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर और कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ न कुछ कनेक्शन है, 6 दिन पहले एक मैनेजर मरती है और फिर एक एक्टर चला जाता है। तो ऐसे पर क्या कहीं में इसमें कोई सच्चाई है, यही जानने के लिए बिहार पुलिस मालवानी पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, इस केस से जुड़े हुए दस्तावेज, चाहे वो दिशा सालियान की जो भी जानकारी है, वो मालवानी पुलिस से बिहार पुलिस ने मांगा है। मालवानी पुलिस ने कहा है कि वो कुछ समय बाद वो डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करा देंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए तुम्हारे साथ, पूरी जानकारी दे रहे थे। तो दिशा सालियान के घर पहुंची है बिहार पुलिस की टीम और जांच की जा रही है कि क्या दोनों ही मौतों के बीच कोई कनेक्शन है।